स्मार्ट सिटी। अब सर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में आप अगर दो कदम पर है फरीदाबाद, इट इज एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहां से स्मार्ट सिटी है वो, किस हिसाब से कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का विधानसभा चुनाव नजदीक है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जिसमें कि 90 विधानसभा सीटें हैं और अगले यानी कि लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। और इसी को लेकर के चाहे वो हरियाणा के अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, चुनाव आयोग है, चाहे वो राजनेता हैं, संसद से लेकर और सड़क तक अगर कहीं चर्चा है तो फिर हरियाणा के चुनाव की है। आज कुमारी शैलजा बोल रही थी कल लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंबाला की सांसद हैं, और उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए फरीदाबाद और गुड़गांव के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कुमारी शैलजा ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, पहले तो उन्होंने जिक्र किया हरियाणा, इसके साथ में झारखंड और महाराष्ट्र का, साथ में जम्मू कश्मीर की बात भी की कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं सरकार का वहाँ कोई ध्यान नहीं है और सरकार खुद को हारा हुआ महसूस कर चुकी है। और फिर उन्होंने जिक्र किया फरीदाबाद और गुड़गांव का। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जो दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर है यानी कि संसद भवन से, और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी है वहां की असमार्टता, एक बार पहले सुनिए कुमारी शैलजा बोल क्या रही थी। स्मार्ट सिटी, अब सर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में आप अगर दो कदम पर है फरीदाबाद, इट इज एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहां से स्मार्ट सिटी है वो, किस हिसाब से कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव, खुद कॉलीग वहां से मंत्री, वहां से एमपी, दो दिन पहले उनका इतना बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वहां पर क्या बदहाली है गुड़गांव में कचरा प्रबंधन की। आप उनकी ही बात सुन ले क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपस में कॉलीग्स जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ पर कॉलीग की बात सुनेंगे, दूसरे फरीदाबाद में एक और कॉलीग हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी बात सुनेंगे। इन शहरों का तो थोड़ा आप कल्याण करिए। मैं जानती हूँ आप हाथ हताश हो चुके हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन हरियाणा के लोगों का 10 साल आपको मौका मिला, कुछ तो कर दीजिए हरियाणा का। पीठ मत दिखाइए हरियाणा को। अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नजर नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया। तो अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि जो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, वहां के हालात ये हैं, चाहे गंदगी कूड़ा और वहां की समस्याओं को लेकर के उन्होंने पूरे देश की संसद का ध्यान आकर्षित किया। यानी कि बताना चाहा कि जो हरियाणा चुनावी राज्य है वहां पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल करके सब गुड़गोबर कर रहे हैं, आप कह सकते हैं उस बात को। कुमारी शैलजा ही नहीं रुकी, जब फरीदाबाद का जिक्र कर रही थी तो कह रही थी कि फरीदाबाद के जो सांसद की तरफ इशारा था कि जो बैठे हैं केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। आगे बढ़ी तो मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के बारे में बोला कि गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी है, और कहा कि इतना बड़ा इंटरव्यू छपा राविंदर जीत सिंह का, गुरुग्राम के सांसद हैं राविंदर जीत सिंह और देश की सरकार के वजीर भी हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि पिछले ही दिनों राविंदर जीत सिंह का एक इंटरव्यू भी छपा और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र भी लिखा। उस पत्र के अंदर राविंदर जीत सिंह ने कहा है कि जो इको ग्रीन कंपनी जिसके पास ठेका था सफाई का, जिससे कि अब वो काम शायद वो ब्लैकलिस्टेड किया गया या उसको वापस लिया गया, लेकिन बहुत बड़ा भुगतान हुआ और उसके अंदर कटघरे में खड़ा किया राविंदर जीत सिंह ने खुद मनोहर लाल को भी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और कहा कि मेरे समकक्ष यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे सरकार के वजीर हैं। यानी कि जो बात राविंदर जीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में, पत्र में और मीडिया के साथ बातचीत में कही थी, उस सब का भी कुमारी शैलजा ने जिक्र किया। अब गुरुग्राम और फरीदाबाद को फोकस करने का मकसद क्या है, मैं आपके साथ जिस चर्चा में हूँ कि आखिर क्यों कुमारी शैलजा ने अपने अंबाला और सिरसा को छोड़ करके, जहाँ की वो सांसद हैं और सांसद रही हैं, जहाँ पर उनका अच्छा खासा उनका लोगों के बीच में प्रभुत्व है,
लेकिन वहां की बात करने की बजाय कुमारी सैलजा ने फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात क्यों की? तो मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों वो हैं जो दिल्ली के बिल्कुल पास लगते हैं। अगर हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने की बात आती है तो फरीदाबाद और गुरुग्राम यहाँ बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, इसके साथ साथ मैं महेंद्रगढ़, भिवानी को और जोड़ देता हूँ, यानी कि ये दोनों जिले दक्षिण हरियाणा में आते हैं। और दक्षिण हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो प्रदर्शन था पिछले विधानसभा चुनाव में वो बेहद लचर था। पूरे फरीदाबाद लोकसभा के अंदर कांग्रेस के पास मात्र एक सीट आई थी, केवल एक सीट मिली थी। नीरज शर्मा फरीदाबाद NIT से विधायक बने थे। और अगर गुरुग्राम लोकसभा की मैं आपसे बात करूं तो अगर नुहू मेवात का एरिया छोड़ दें जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है और वहां पर कांग्रेस के तीनों विधायक बन गए थे, तो बाकी गुरुग्राम में कहीं कांग्रेस को उंगली टिकाने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। लेकिन दूसरी बात एक और आ जाती है कि इन दोनों जिलों के अंदर, इन दोनों लोकसभाओं के अंदर कांग्रेस का तो जो हाल है सो है। कुमारी सैलजा के पास यहाँ पर अपने दिखाने के लिए चेहरा मोहरा नेता कुमारी सैलजा के पास भी कम है। और कुमारी सैलजा भी दिखाना चाहती हैं क्योंकि कांग्रेस आला कमान को भी संदेश देना है आने वाले दिनों में कि जो अगर मिलेनियम सिटी है, स्मार्ट सिटी है, साइबर सिटी है, तो वहाँ भी उनका असर है। और अगर माने तो कुमारी सैलजा ने जो फरीदाबाद और गुरुग्राम के कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से तैयारी कर रहे हैं, और या फिर जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनको एक संदेश दे दिया कि मेरी निगाह भी फरीदाबाद गुरुग्राम की तरफ है। अगर आप आगे बढ़कर के देखें तो गुरुग्राम फरीदाबाद लोकसभा के अंदर कुमारी सैलजा के समर्थक नेताओं की गिनती गिनी जाए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले शेयर भी किया था, तो अगर ओल्ड फरीदाबाद में जाते हैं तो कुमारी सैलजा के पास में बलजीत कौशिक हैं। अगर उससे आगे चलते हैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र में मुझे कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आता जो कुमारी सैलजा पर ही केवल बात करता हो। फिर आप आ जाएं बड़खल विधानसभा क्षेत्र में तो बड़खल विधानसभा क्षेत्र में योगेश ढींगड़ा उनके पास है, लेकिन कोई असरदार या प्रभावी व्यक्तित्व नहीं है उनका। अगर आगे आप चलते हैं तो बल्लभगढ़ के अंदर मनोज अग्रवाल हैं, नाम और भी है, दीपक चौधरी भी है, लेकिन अगर मनोज अग्रवाल की बात भी मैं कर दूं आपसे तो ठीक है, एक व्यापारी तो हो सकते हैं, लेकिन मनोज अग्रवाल का भी राजनीति के लिहाज से कोई बड़ा वजूद या कद नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो विधानसभा चुनाव लड़ करके और चुनाव जीतने या इस कंडीशन में आ जाएं या उनके लिए कुमारी सैलजा उनकी पैरवी करने के लिए तैयारी करें। अगर मैं NIT की बात करूं, फरीदाबाद NIT की, तो नीरज शर्मा विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से हैं। और अगर दूसरी बात कर लें तो एक दो नाम वहां पर चलते थे, कुमारी सैलजा उनके निवास पर भी गई थी, उनके भाई की डेथ हुई थी, तो वो नाम आ सकता है। लेकिन अगर बात आएगी कि विधानसभा स्तर तक क्या उनका असर है, तो भी नहीं आती। प्रथला के अंदर जाएं तो प्रथला में जरूर राकेश तंवर उनके पास में है, कुमारी सैलजा के पास में। आगे चलते हैं तो पलवल के अंदर कोई चेहरा नहीं, होडल में कोई चेहरा नहीं, हथीन में कोई चेहरा नहीं, गुरुग्राम में कोई चेहरा नहीं, नुहू जिले के अंदर कोई खास चेहरे नहीं। इसलिए कुमारी सैलजा के लिए जरूरी ये भी है कि उनका असर जाए, उनकी बात जाए और गुरुग्राम फरीदाबाद के खासकर जो मतदाता हैं, जनता हैं, नेता हैं, उन तक एक संदेश पहुंच जाए कि कुमारी सैलजा उनकी पैरवी कर रही हैं। अगर इस प्रकार का संदेश अग्रेषित करने में कामयाब हो जाती हैं तो एक तो कांग्रेस आला कमान के पास वो जब टिकटों का बंटवारा होगा और जब उनके पास कोई दो चार प्रभावशाली चेहरे होंगे तो वो उनकी बात कर पाएंगी, और दूसरी बात ये बता पाएंगे कि हरियाणा के केवल एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उनकी स्वीकार्यता है। क्योंकि अब यानी कि अगले दो दिन में 27 तारीख को कुमारी सैलजा अपनी यात्रा शुरू करने जा रही हैं। अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा उनकी यात्रा के बारे में भी। लेकिन यहां आप जरूर ये समझ लें कि कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, कुमारी सैलजा की रणनीति है कि उस इंटरनल पॉलिटिक्स में वो कहीं पिछड़ ना जाएं। इसीलिए उन्होंने अपने गुट को फिर बड़ा करना शुरू कर दिया, उसका भी जिक्र आपसे करूंगा। लेकिन इतना जरूर जान लें कि जो एक कमी हुई थी किरण चौधरी की, वो पूरी कर ली गई है बांगर चौधरी यानी कि वीरेंद्र सिंह से, एक पोस्टर आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, कांग्रेस आला कमान को यह संदेश कि वो कहीं भी कमजोर नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या कुमारी सैलजा ने जो फरीदाबाद गुरुग्राम के मुद्दे उठाए, इससे क्या वो फरीदाबाद की जनता के दिलों में अपनी कोई जगह बना पाएंगी? आपको क्या लगता है कि कुमारी सैलजा जो हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव में कहीं कुछ पिछड़ गई थी, विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों के लिए, अपने जो उनके साथी हैं, उनकी लड़ाई लड़ने में कितनी इस रणनीति से कामयाब हो पाएंगी?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।